दोस्तों, अगर आप वाकई में कोई कॉफी मेकर मशीन खरीदना चाहते हो तो जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उस मशीन को चाहो तो आप इस वीडियो को बगैर देखे ही खरीद सकते हो। बाकी आप मैं बताने वाला हूँ कि क्यों आपको यही वाली मशीन खरीदनी चाहिए अंडर 8,000 रुपीज। जो फीचर इसके अंदर मिल रहे हैं मे भी अभी और किसी मशीन में नहीं मिल रहे हैं। और भी अधिक जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो बगैर स्किप किए, वरना हो सकता है कहीं कोई पार्ट मिस कर जाए और फिर नीचे आप कमेंट करो। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को पूरा देखो। बट आप में से कुछ लोग हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, बाद में नीचे कमेंट करते हैं भैया ये चीज़ कैसे होगी, इसके बारे में बताओ, हमें तो पता ही नहीं था, जबकि वो चीज़ वीडियो में ऑलरेडी बताई गई है। तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देखना शुरू कर दिए मेरा यूट्यूब का चैनल टेक यूट्यूब। दोस्तों, जानकारी वही है जो सही है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जनरली जिस प्राइस पर ये आ रहा है उस प्राइस पर इतने फीचर किसी और मशीन के अंदर में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एगारो इंपीरियल एस्प्रेसो कॉफी मेकर मशीन के बारे में, जो कि 15 बार प्रेशर है। अब स्पेशल क्या है इसके अंदर में, इसके अंदर में सेपरेट थर्मोस्टेट दिए गए हैं जो कि आपके मिल्क फ्रॉदिंग और कॉफी के लिए अलग अलग टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप कॉफी बना रहे हो तो जो स्टीम से कॉफी निकलेगी 15 बार प्रेशर से, उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो गिरेगा। मिल्क फ्रोजिंग के लिए अलग से सेपरेट दिया हुआ है, इसलिए आप कॉफी एक्सट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्ट मिल्क फ्रोजिंग करोगे तो आपको टेम्परेचर गेन करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी दोस्तों, इसमें 1100 वॉट्स की पावरफुल मोटर लगी है जो कि 15 बार प्रेशर के एटमोस्फियर प्रेशर को जनरेट करेगा, जिससे कि कॉफी जो एक्सट्रैक्ट होकर निकलेगी उसका जो रिचनेस निकलेगा, उसके ऊपर जो क्रेमा की लेयर लगेगी वो कॉफी के अंदर में बढ़िया स्वाद देगा। कितने बार प्रेशर की आपको कॉफी मेकर मशीन खरीदनी चाहिए, यहाँ आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चाहे उस वीडियो को जरूर देखना। कॉफी मेकर मशीन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर मर्फी रिचर्ड की एरोपा 800 कॉफी मेकर मशीन की अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है, सब कुछ बनाई है, उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट करना। 1100 पावर वाट्स होने की वजह से बहुत जल्दी कॉफी तैयार हो जाएगी, लगभग 30 सेकंड में ये आपका हीट हो जाएगा। और दोस्तों, प्री हीट के लिए मशीन के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आपको प्लेट मिलेगी स्टील की, जहाँ पर आपका कॉफ़ी का जो कप है उसको प्री हीट कर सकते हैं। जनरली इतना तो कोई यहाँ ध्यान देता नहीं है, बट ये फीचर है। अगर आप इंटरनेशनल कॉफ़ी मेकर की जो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या इस चीज़ के मायने हैं। बाकी इंडिया के अंदर कॉफ़ी मशीन को लेकर इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो हो सकता है कि इस फीचर से किसी को कोई उतना फर्क ना पड़े, बट फर्क पड़ता है। अगर आप कॉफी का यूज करने लगोगे तब आपको समझ में आने लगेगी इसकी अहमियत क्या है। बाकी दोस्तों, जिस कीमत पर ये मशीन है किसी और मशीन के अंदर में उतने सारे फीचर नहीं मिलेंगे आपको। अब अगर दोस्तों लुक वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, स्टेनलेस स्टील का है, ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। यहां अगर आप देखें तो आपको यहां पर डिजिटल मीटर की जगह एनालॉग मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। और यहाँ पर फ्रॉदिंग के लिए यहाँ पर नॉब दिया हुआ है साइड में, अगर आप देख सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रीमियम लुक देता है। बाकी दोस्तों, जैसा कि चाय में जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, बट वो एकदम मीठा बराबर है। वैल्यू फॉर मनी अभी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने मशीन खरीदने के बारे में सोचा है, प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इस मशीन को बाय कर लो। मे बी इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं। इंडिया में भी कॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, मशीनों के बारे में लोग जानकारी चाह रहे थे। दोस्तों, अगर आपको पता हो या नहीं हो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इंस्टेंट कॉफी जैसे लाइक नेस्कैफे, ब्रू कैफे, ये सब जो है इंस्टेंट कॉफी जो कि रेडी टू ईट होते हैं एक तरह से कह दिया जाए, तो इनको अगर आप कॉफी मेकर मशीन में बनाने के बारे में सोच रहे हो फिर तो इस मशीन को खरीदना बेकार है। अब बाय द वे आप खरीद भी सकते हो जिससे कि मिल्क फ्रॉदिंग वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, फिल्टर कॉफी होता क्या है मैं आपको बता दूं, मे बी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो डोंट माइंड, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों फिल्टर कॉफी अलग तरह की कॉफी होती है। जैसे चाय पत्ती होती है एज ए ठीक उसी तरह फिल्टर कॉफी होती है। अब चाय पत्ती में जैसे चाय का सारा जो एक्सट्रैक्ट होके निकल जाता है खोलने के बाद, सिर्फ पत्ती पत्ती बचती है, तो सेम उसी तरह जो फिल्टर कॉफी होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें एक चिकोरी होती है, एक कोई पेड़ होता है उसकी रूट होती है, उसी को बारीक कट के उसमें डाला गया होता है, और 80% कॉफी होती है और 20% चिकोरी। किसी किसी केस में 60-40 भी होता है और
तरह तरह की कॉफी है, अगर आप चाहो तो चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिल्टर कॉफी जो होती है ऐसे एकदम चाय पत्ती होती है, इसीलिए इस टाइप की मशीन की जरूरत पड़ती है। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूंगा। बाकी इस मशीन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज बेझिझक कमेंट करना, कोशिश करना उन सवालों को मत पूछना जिसका मैंने जवाब इस वीडियो में दे दिया। बाकी मेरे बहुत सारे व्यूवर ऐसे हैं जिनकी शॉप है और वो अपने शॉप के अंदर में एक इस तरह की छोटी कॉफी मशीन रखने के बारे में पूछते हैं, मुझसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप चाहो कोई भी कॉफी मेकर मशीन खरीद के रख सकते हो। कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जो वारंटी को क्लेम नहीं करते हैं, बट वो तब होगा जब उनको पता चलेगा कि आपने इसका कमर्शियल यूज किया है। बाकी आप किसी भी तरह की कोई भी मशीन लेकर उसका कैसे भी यूज कर सकते हो। सम ऑफ द केसेस कुछ मशीन ऐसी हैं जिनका आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हो, करने को कर सकते हो, मालूम चलने पे ही उसका आप वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। जैसे टेक्नोरा के कुछ मॉडल्स हैं, उनका आप वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो खराबी है जो मुझे लगती है, हो सकता है कि मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ना लगे, इसमें जो इसकी पावर कॉर्ड है, पहले तो इसका जो 60 एम्पीयर का प्लग है वो बहुत से घर में अवेलेबल नहीं होता है, या अवेलेबल जहां होगा वहां पर आपको मशीन लेके जानी होगी, वहां पर आप इसको यूज कर पाओगे। और इसकी जो वायर है वो भी थोड़ी कम होती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच होती है, जो कि कंपनी इसको चाहिएगी और ज्यादा देना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, इसके अंदर में किसी भी तरह का कोई ऑटो कट फीचर नहीं है, ये टोटल मैनुअल है। बाकी यहाँ पर अब इसकी अच्छाई की बातें करें तो 1.5 लीटर का वाटर टैंक की कैपेसिटी है, 2 थर्मोस्टेट है जो कि अलग अलग काम करेंगे, और 15 bar प्रेशर है ये, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।